शासन के निर्देश पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत 15 अगस्त को जनपद के हर घरों पर तिरंगा फहराए जाने के संबंध में विकास भवन के सभागार में सीडीओ संजय कुमार मीणा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सीडीओ संजय कुमार मीणा ने बताया कि आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। शासन के निर्देश पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत 15 अगस्त को जनपद के हर घरों पर तिरंगा फहराएं, उसी के संबंध में सभी विभागों के साथ यह बैठक की गई है। जितने भी अधिकारी कर्मचारी फील्ड लेवल पर हैं उनको प्रेरित करते हुए इस अभियान को सफल बनाएं और सभी को देश प्रेम की भावना रखनी चाहिए और सभी विभागों को लक्ष्य दिया गया है कि अपने अपने कर्मचारी एवं अधिकारियों को निर्देशित करें कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा, DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर, SP ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CDO संजय कुमार मीणा ने कहा, की बात होगी कि हम लोग जो है इसको गंभीरता के साथ नहीं कर पाए हैं, तो विषय की गंभीरता में देखते हुए अभी से जो है मीटिंग समाप्त होने के बाद सब अभी जो है संज्ञान में होगा और समय से आपके झंडे की मौजूदा हो जाए कहाँ कहाँ किसको बढ़ाना है और उसके लिए कौन सी योजना घाटी होगी, ये तीन चार चीजें जो आपके मंचल है फिर अपने कार्यालयों के लिए भी करना होगा। ये भी है आप जैसे विशेष आपकी टीम है प्रत्येक विद्यालय तो उसको भी टेकअप करना है, जो नया आपने बनाया उसको भी टेकअप करना होगा। ऐसे कृषि विभाग का है वहाँ पर भी गोदाम होगा, सो जो है उस झंडे को लगाना है। जिला युवा कल्याण का ही आपके पीआरडी है वहाँ पर कितना झंडा आप ले सकते हैं? सर करीब 613 PRD की इस समय ड्यूटी चल रही है, 100-100 तो ले ही सकते हैं। 100-100 आप ले सकते हैं, कितना मतलब 1200 नहीं 600×100 सर। 600 इसमें आगे बढ़कर के आना बहुत जरूरी है, इसमें इसमें सर तो लक्ष्य मिला है पता अनुभूति होनी जरूरी है। पब्लिक इंस्टीट्यूशन से वहाँ बड़े वाले झंडे लग जाएंगे, बाकी जगह छोटे झंडे लग जाएंगे, तो हम लोगों ने टारगेट किया है प्रोग्राम का भी ग्राम प्रधान हमारे 1294 100 करके 129,000 लगभग जो उनको कहा 100 झंडे मतलब पहले उनको प्रेम किया जाएगा, 10-10 रुपये वाले झंडा है 1000 रुपये के लगे होंगे लगभग 129,000 400 उन्होंने खरीद लिए। सफाई कर्मचारी हमारे पास 3,000 है, दर्जा से खरीद लिया उन्होंने 30,000 हो जाएगा, पंचायत साहब रोजगार से उन्होंने एक एक भी खरीदे हमारे 2,000 हो जाएगा, फिर हमारे सारे सरकारी पंचायत हैं वो 100 लगे खरीदिए 20,000 10,000 रुपये महीने हो जाएगा, अन्य सारे सरकारी 50 लगे 2,500 हो जाएगा, हमारे वीडियो सामने का 100 लगे खरीद के 2,000 वहाँ हो जाएगा, 182,590 हमारा घोड़ा है, इसमें से हमारे 25,000 कम हो जाएगा, तो हमारे 1,000 का टारगेट हम लोग इससे पूरा करें। ये हमारा कार्ययोजना है, वैसे सबको अपनी कार्ययोजना बनानी पड़ेगी, कैसे बोलते हैं क्योंकि इस बार जो है कोई फंड अलग से नहीं है, उनको अपने फंड से मैनेज करना है, इसलिए आप लोगों का सहयोग की आवश्यकता हो सकता है। टारगेट होना ज़्यादा एनजीओ से भी हम लोग अलग से मीटिंग बुलाएंगे, एनजीओ का भी हम लोग बात करेंगे। रहने चाहिए तो क्योंकि आज़ादी के 75 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव हम लोग इस साल मना रहे हैं उसी के परिप्रेक्ष्य में यह है कि हर घर तिरंगा। अब इसमें हर घर तिरंगा का मतलब घर से नहीं है, हर उस कंस्ट्रक्टिव बिल्डिंग से है जो चार दीवारी के शेप में है। आप घर मत मानिए क्योंकि उसमें शैक्षणिक संस्थान भी हो जाएंगे, व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो गए, पुलिस चौकियां जितनी हैं, पुलिस थाने जितने हैं, क्योंकि पुलिस थाना कोई घर नहीं होता, ठीक है। तो हर घर तिरंगा को माइंड में घर से मत जोड़िएगा, उसका मतलब है हर वो कंस्ट्रक्टिव जो कंस्ट्रक्शन है जो चार दीवारी है जिसमें कोई ना कोई कार्यालय है या कोई रह रहा है, जो जर्जर भवन है उसकी बात नहीं होगी, जो भी जिसमें भी कोई व्यक्ति बैठ रहा है वहाँ पर 11 अगस्त से लेकर और 17 अगस्त तक हम लोग पूरा एक सप्ताह मनाएंगे और 15 अगस्त को
क्योंकि अभी चीफ सेक्रेटरी सर के यहाँ से जीओ जारी भी हो गया है कि कोई भी अवकाश नहीं मनाया। जनरली हम लोग देखते हैं 15 अगस्त को छुट्टी होती है, स्कूलों में 2-3 घंटे कार्यक्रम होता है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में हम लोग केवल ध्वजारोहण करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, लड्डू बढ़ता है और सब लोग अपने घर चले जाते हैं। स्पेशली स्टूडेंट केवल लड्डू खाने के लिए आता है और कुछ करने नहीं आता। ठीक है, आप और हम उसी पेज से निकले हैं तो ऐसा कुछ नहीं, हम लोग भी उसी ले जाते हैं, सब लोग जानते हैं कि 2 या 1 लड्डू मिलेगा, घर आएंगे आराम से उस दिन शाम को खेलेंगे, जो भी करेंगे एक्स वाई जेड। तो ये जो धारणा है उसको थोड़ा बदलाव करना है इसमें इस बार इस 15 अगस्त को, क्योंकि ये 75th है हमारा। तो जितने भी हमारी सरकारी बिल्डिंग्स हैं तो उसमें सारे, क्योंकि मैक्सिमम ऑफिसर्स यहाँ बैठे भी हैं, तो सरकारी बिल्डिंग में जो अपना कार्यालय है उसके अलावा जैसे ग्राम पंचायत में हमारा ग्राम सचिवालय या पंचायत भवन है, हेल्थ डिपार्टमेंट में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होते हैं, CNC PNC हैं, थाने हैं, सारी पुलिस चौकियाँ हैं, जो भी चाहे वो ग्राम पंचायत के स्तर पर हो या ग्राम लेवल पर हो, जो भी वहाँ पे बिल्डिंग है उस पे 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाएगा, तो जो डिपार्टमेंट है वो ड्यूटी लगा देंगे लिखित में। जैसा सभी आप अवगत हैं कि हम इस वर्ष आज़ादी के 75 वर्ष कंप्लीट कर लेंगे, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें शासन के निर्देश हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हर घर तिरंगा अभियान, हर घर में जो भी बिल्डिंग है वहाँ पे हम तिरंगा फहराएं 15 अगस्त को। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में सभी विभाग को यहाँ आज बुलाया गया और उनको निर्देशित किया गया कि उनके जितने भी अधिकारी कर्मचारी जो फील्ड लेवल पे हैं वो सभी लोगों को प्रेरित करते हुए इस अभियान को सफल बनाएं, और सभी को ये फीलिंग आनी चाहिए कि हमारा जो देश है वो 75 वर्ष आज़ादी के कंप्लीट हो चुका है। इतने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, इतने लोगों ने जब अपना बलिदान दिया तब जाके हम आज आज़ाद हैं, तो वो जो देश भावना है वो भी उसमें झलकनी चाहिए। इसीलिए इस पर्टिकुलर अभियान को माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है, तो उसी के लिए सभी विभागों को लक्ष्य दिया गया है कि आप अपने अपने विभागवार जहाँ पे भी आपके कर्मचारी अधिकारी हैं उस लक्ष्य को पूरा करते हुए इस अभियान को सफल बनाएं।